दे कार अंदर चले। एक समा हुंदा सी कि गुरु अपने निज दे स्थानां दे उत्ते विराजमान हुंदे सन ते सिख संगतां शरदा भावना दे नाल मेरे हजूर दे दर दे उत्ते नतमस्तक हुंदियां सन ते सत जाणियो बख्शिशां भी ते उन्हां ने लईआं ना, रहमतां भी मेरे सतगुरां जी दियां उन्हां दे उत्ते होईआं। ते जेड़े खाली रह गए कर्म धर्म के नाल बजे रह गए उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया। उस आखिर तुहानू याद होगी ना कि एक सज्जन चार सज्जणा दे नाल साहिब गुरदेव पातशाह जी की नगरी आनंदपुर साहब की नगरी के अंदर पहुंचया। चेता रखियो कि कर्म धर्म पाखंड जुदी से। इस भगती इन्हों बचना मालक जी ने बगले के नाल तवज्जो दिती गए। मालक जी बाणी दे अंदर जिक्र करते ने, मुख झूठ विभोखन सारंग त्रैपाल तिहाल बेचारंग गल माला तिलक लिलाटंग दुइ धोती बस्तर कपाटंग। साहब जी आखते ने निरा केवल ते केवल पखंड है, परम है होर कुछ भी नहीं। वो चार सज्जन आए सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी के चरणों के मत्था टेकया। सतगुरु जी दे अगे बैठ गए, चौंकड़ा मार के कह लगे कि महाराज तुहाडे दर्शन करके अंदर दी रूह खिड़ जांदी है, तुहाडे दीदार करके मन अंदर सकून मिलदा है। ते सत जाणियो सच्चे सतगुरु जी साडा चेत ही नहीं करदा कि असी इस आनंदां दी नगरी नूं त्याग के मुड़ अपने घर जाइए। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने जवाब दिता कि यह नगर जे तुहाडा इतना ही साडे नाल प्यार है, यह घर तुहाडा ही है, जितना मर्जी समा रह जाओ। हुण उन्हां बंदियां ने तो फॉर्मैलिटी की सी ना, है ना, जिवें फॉर्मैलिटी बंदा किसी के घर जाए तो घरवाली कहिंदी जी चाह बनाउने आ। भाई चाह भी कोई बनाउण दी चीज़ है, पुछण दी चीज़ है, पुछ के चाह दे दी है? नहीं, पुछ के नहीं चाह दे दी। जे प्यार होवे ते उसे ते पता नहीं लगन देता, वो फॉर्मैलिटी है। फॉर्मैलिटी का मतलब समझदे ना, जिदे विचो तुहाडा कर्म करन दा ते बिल्कुल भी मन ना करे। हजूर आखदे ने कि धर्म भी अज फॉर्मैलिटी बन गई है। उन्होंने फॉर्मैलिटी अदा की कि मालक साडा जित नहीं करता तुहाडे कोल जाण दे लई, तुहाडे दर्शनां दे अंदर बड़ी सुकून मिलती है। हजूर आखदे ने घर तुहाडा है, रो फिर जे नहीं जानता चित करता। हुण मन अंदर पछताउंदे ने की बन गया, यह की हो गया। खैर उत्थे रुके ने, हफ्ते के बाद फिर आए सतगुरु जी, कृपा रहमत करो असी घर जाना चाहते हैं। पातशाह जी ने आख्या नहीं अजे नहीं, जदों तक मैं हुक्म नहीं करता तद तक तुसा इतों जाना नहीं। हुण वह चार बंदे एक दूजे का मूँह वेखते ने ते मन अंदर सोचते ने बुरा फस गए, ना ऐसे शब्द आखते तो ना आ कुछ वेखण मिलता। हुण उड़ीक करते ने कि कदों कलगीधर पातशाह जी बचन आखणगे तो कदों इतों बहर जाया जाए। पर एक हफ्ता दो हफ्ते तीन हफ्ते गुजर गए। उन्हां चारां ने सलाह की कि इदां नहीं गल बननी, हुण एक नूं मरना पैना। हुण एक सज्जन जिहड़ा सी उन्हां दे विचों मर गया। मरन तो भाव यह भी ड्रामा, जिवें सियाणे कहिंदे ने ना कि एक झूठ नूं छपाउण दे लई दूजा झूठ, दूजे नूं छपाउण दे लई तीजा झूठ, ये झूठ ते झूठ बंदा बोली तुरिया हुंदा। हुण उन्होंने की देखिया कि जे इतों जाना चाहते हाँ, जे इतों छुटकारा पाना चाहते हाँ, तो चारां दे विचों एक नूं मरना पैना। उन्हां चारां दे विचों एक जी तख्ते दे उत्ते लेट गया, ते तख्ते दे उत्ते जो लेट गया ना, उन्होंने चुकिया तख्ते नूं, अर्थी नूं चुकिया ते लै गए। शब्द पढ़न लगे कि सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना चलते रखियो चीत। इधरों सबबी गुरु कलगीधर पातशाह जी अगे टक्कर गए। हजूर गुरुदेव महाराज जी ने की देखिया कि उन्हां मनुखा ने एक बंदे नूं अपने मोढ़ियां दे उत्ते चुकिया हुआ।
ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲ ਪਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਭੋਲੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ, ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਗਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਦਾਸੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ।